गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो शायद सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। इस साल बोर्ड एग्जाम्स जैसे आप जानते हैं मई में होने वाले हैं, और इसी चक्कर में कई सारे बच्चे कंप्लीसेंसी के साथ, रिलैक्सेशन के साथ बैठे हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम है, फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने पढ़े हैं, आराम से पढ़ेंगे, आराम से स्कोर हो जाएगा, पेपर सिंपल हो जाएगा, कई सारी चीजें चल रही हैं। कईयों को तो अभी भी ये लगता है कि मास प्रमोशन होगा, कोरोना जाएगा ही नहीं, जबकि हम सब लोग जानते हैं वैक्सीन लॉन्च हो चुकी है, 13 जनवरी से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। तो आप में से जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि इस बार एग्जाम नहीं होगी, बेटा समय रहते आंखें खोल लो, वरना बहुत बुरा पछताओगे तुम लोग। यू विल बी सफरिंग लाइक एनीथिंग, यू विल सफर लाइक एनीथिंग, माइंड माई वर्ड्स। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप कहां जा रहे हैं। ये वक्त, इस वक्त आप सबको जो टेंशन है, इस वक्त जो आप सबको टेंशन है कि पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्या होगा, तो मैं आपको दो चीजें क्लियर करना चाहूंगा। बोर्ड का जो सैंपल पेपर और पीडीएफ मैंने आप सबको फॉरवर्ड किया, उसको लेकर कई सारे बच्चों के दिमाग में क्वेरी है। जिन बच्चों ने देखा है उनको एक डाउट है कि सर विस्तास कहां चला गया, हमको पेपर में विस्तास दिख ही नहीं रहा। आप अपनी जगह पे सही है बेटा, बोर्ड से गलती हुई है। मैंने फ्राइडे के दिन बोर्ड को मेल भेजा था, मुझे उसका रिप्लाई भी आया है कि दे विल इश्यू अ नोटिफिकेशन और जो खामियां हैं उनको दूर करेंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें जानने को मिली है, विच वी हैव बीन एबल टू गैदर, सेक्शन ए जो है वो आपने में से किसी ने ध्यान से अगर देखा हो तो वो 25 मार्क का है, वो 25 का ही रहेगा। यानी इस बार थोड़ा चेंज हो रहा है। यूजुअली क्या होता था, पांचों सेक्शन 20-20 मार्क के होते थे, लेकिन इस बार सेक्शन ए जो है वो 25 मार्क का है, सेक्शन बी जो है वो 15 मार्क का है। लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है बोर्ड की तरफ से, इस वजह से मैं भी रुका हुआ हूं। हमारे पास जैसे क्लैरिटी आएगी, नोटिफिकेशन आएंगे, तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो पहला तो मुद्दा था कि पेपर के अंदर मुसीबत है। अच्छा, इस साल एक और बड़ा जो प्रॉब्लम हमने फेस किया है, दैट इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। वो चाहे अकाउंट्स हो, स्टैट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, मैनेजमेंट हो, इंग्लिश हो, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, और उसी के चलते हम एक बहुत बड़ी समस्या के दरवाजे पे खड़े हैं। हम एक बहुत बड़ी समस्या के दरवाजे पे खड़े हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, तो एक तो मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया कि पेपर के रिगार्डिंग जो क्लेरिफिकेशन आना है वो आएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, किसी को भी चिंता नहीं करने की जरूरत है। अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं बच्चे, सर विस्तास नहीं आएगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, विस्तास डेफिनेटली आएगा। तो अपनी प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू करिए। नाउ आज एक और बात के ऊपर मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कल, सर बोर्ड एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर किए जाए, तैयारी कैसे शुरू की जाए। चलो ये सुन के भी मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट कोई तो है जो तैयारी करना चाहता है। सर हमारे पास 3 महीने का समय है, हम अब क्या करें कि बोर्ड में हम स्कोर कर पाए। अभी तक ऐसा नहीं है कि हमने सीखा नहीं, स्कूल के लेक्चर्स हो रहे हैं, ट्यूशन के लेक्चर्स हो रहे हैं, तो आप पढ़ तो रहे हो, प्रेपरेशन शुरू नहीं हुई है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। और ये पुराना नियम है बेटा, जब भी कोई बड़ा इवेंट आता है, जैसे ओलंपिक्स आते हैं, वर्ल्ड कप आता है, तो टीम्स जो है वो 3-4 महीने पहले प्रिपरेशन शुरू करती हैं। वही काम हमको भी करना है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट काम जिनसे आप अपना बोर्ड का रिजल्ट इंप्रूव कर सकते। समय गंवाए बगैर आने वाले 20 मिनट ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहें, तो ये आपको पूरे साल की मुसीबतों का सॉल्यूशन दे देंगे। सेवन मंत्रास टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12 GSEB इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज कोड 006 बाय Yours only अशोक निवनानी। अब मैं ये मंत्रा देना शुरू करूं उसके पहले मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाना चाहता हूं।
आप ये फोटो देख पा रहे हैं बेटे? ये इमेज कितने बच्चों को दिख रही है? प्लीज रेज योर हैंड। अब आपके साथ आप में से किसके साथ ये छोटा बच्चा बैठा है, प्लीज अपने आप को म्यूट रखिएगा बेटा, मैं जब बात करूं तो बात कर सकते हैं। ओके, आपके सामने तीन एनिमल्स हैं। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि जंगल का राजा शेर क्यों बनता है? Why lion is considered as the king of the forest? हाँ आर्यन बोलो। आर्यन बताओ बेटा। सर आई थिंक ऑडियो ट्रबल है। कोई और बताना चाहेगा कि जंगल का राजा शेर क्यों बनता है? हाँ गुप्ता बोलो। सर पावर के वजह से। अलग पावर तो हाथी में ज्यादा होता है। आपके सामने मैंने तीन जानवर रखे हैं। हाँ रिया बोलो। हर्षी बोलो बेटा। सो बिकॉज ऑफ ब्रेवरी? नो, एलिफेंट इज एक्चुअली ब्रेवर देन लायन। आप लोग पिक्चर को अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, मैं समझाता हूं आपको। अगर सिर्फ ताकत से जंगल का राजा बनाया जाता तो जंगल का राजा हाथी होता, अगर सिर्फ बुद्धि से जंगल का राजा बनाया जाता तो लोमड़ी होती। देखो हाथी के पास जो ताकत है वो किसी के पास नहीं है, लेकिन बुद्धि नहीं। लोमड़ी के पास बुद्धि तो है, ताकत नहीं। शेर क्यों राजा बनता है? क्योंकि वो ताकत और बुद्धि का कॉन्फिडेंस सॉरी कॉम्बिनेशन है। इसीलिए आप इस पिक्चर में ध्यान से देखेंगे, वो दोनों जो है पत्थर के ऊपर पांव रख के खड़े नहीं है, शेर ही है जो पत्थर के ऊपर पांव रख के खड़ा है। दिस पिक्चर सिंबलाइजेस दैट इफ यू आर डूइंग हार्ड वर्क यू विल नॉट सक्सीड, इफ यू आर डूइंग स्मार्ट वर्क यू विल नॉट सक्सीड, बट इफ यू आर कंबाइनिंग बोथ ऑफ दैट, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन आता है ना बेटा, तब शेर बनता है। समझे बेटा? तो अगर आपको शेयर बनना है तो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। ये आपका पहला मंत्र, यू नीड हार्डवर्क एंड स्मार्ट वर्क बोथ। चलिए अब आपके सामने मैंने ये नोट्स रखे हैं, इसमें 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 1 ये सारे नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं। सपोज एक टोकरी में मैंने ये नोट्स आपके सामने रख दिए, जैसे अभी रख दिए, 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 और 5, और मैं अगर आपको कहूं कि आप इसमें से कोई भी नोट उठा सकते हो तो आप सबसे पहला नोट कौन कौन सा उठाएगा? रेज योर हैंड। ध्रुव बोलो बेटा, कौन सा नोट उठाओगे? 2000 का सर। क्यों उठाओगे 2000 का नोट? सबसे ज्यादा वैल्यू है सर उसकी। सबसे ज्यादा वैल्यू है, एक्सेलेंट आंसर। मानव कौन सा उठाओगे? सर मैं 200 का। क्यों? बिकॉज़ सर चेंज नहीं मिलता ना बाद में, तो चेंज के लिए 200 का। अच्छा यूज नहीं हो पाएगा 2000 का नोट। एनीवन एल्स? नील। हाँ मैं नील, तुम कौन सा उठाओगे? सर 5 का सर। क्यों 5 का? सर छोटे से शुरुआत होती ना सर। अब देखो आप तीनों को मैं यहाँ पे करेक्ट कर लेता हूँ, सही आंसर है 2000 का नोट। क्यों?
क्योंकि इस टोकरी में तुम्हें सबसे पहले उसी को उठाना है, लाइफ में तुम्हें सबसे उसी को उठाना है पहले जिसमें तुम्हें वैल्यू ज्यादा मिलती है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं। अब इस नोटों के पूरे सेटअप को ले लो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन। यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि मैं किस मुद्दे पे बात कर रहा हूं बेटा। मैं कोई भी पिक्चर बेवजह नहीं दिखाऊंगा आपको। अब आप इसमें से अगर 500 का नोट चुनते हो, 200 का नोट चुनते हो, 20 का चुनते हो, 5 का चुनते हो, तो मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं अपने लिए क्या करने वाले हो। देखो वेटेज ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स, एग्जाम आप में से कौन मुझे बताएगा बोर्ड में हाईएस्ट स्कोर वाला टॉपिक कौन सा आता है? बोर्ड में सबसे ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन कौन सा? सेक्शन नहीं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जिसमें हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं। चार्मी बोलो। राइटिंग स्किल्स। मैं पहले ही बोला मैं सेक्शन नहीं पूछ रहा हूं, मैं टॉपिक पूछ रहा हूं। बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स वाला टॉपिक कौन सा? हाँ विशाल गुप्ता बोलो। बोलो विशाल। सर कॉम्पो। यस कॉम्पो, ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग इसका वेटेज है 8 मार्क्स। आपको कोई और टॉपिक इतना स्कोर दे ही नहीं सकता। Am I correct? अब आप खुद से क्वेश्चन करो, आप में से कितने बच्चों ने ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस की है? किसी ने भी नहीं की है, शायद गिने चुने 2 बच्चों ने की है। यस, 2 बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस की है। तो ये वो 2 बच्चे हैं जिन्होंने 2000 का नोट चुना है। प्रॉपर प्रिपरेशन सक्सेस का दूसरा मंत्र है। आपकी प्रिपरेशन गलत है इसी वजह से आप फंस रहे हो। आप अगर ध्यान से देखो मैं आपको क्लियर करते जा रहा हूं। आप देखो आप क्या करते हो, आप टेक्स्ट पढ़ते हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक रीड करते हो। सबसे बड़ी गलती, टेक्स्ट बुक कभी पढ़नी ही नहीं चाहिए। देखो, never read the textbook in the last 3 months of your preparation. देखो, textbook मैंने एक बार पढ़ा दी, तुमने एक बार पढ़ ली, अब textbook read करनी ही नहीं है। क्यों? textbook में से कितने मार्क के क्वेश्चन आएंगे? 25 marks। textbook के यूनिट ये तो कोविड के चलते कम है, वरना तुमको पढ़ने कितने पड़ेंगे। चलो कोविड के चलते कम है वो भी गिनो, 5 और 5, 10 और 5, 15 यूनिट्स मिल के तुमको 25 मार्क का कवरेज देते हैं। कौन से यूनिट में से कौन सा क्वेश्चन आएगा? Nobody knows. So, आपकी प्रिपरेशन में कभी भी पहला काम, बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक मत पढ़ो, टारगेटेड वर्क करो, फोकस ऑन राइटिंग स्किल्स। ऐसे के लिए जाओ, जॉब एप्लीकेशन पे जाओ जो 7 मार्क का है, है ना, जॉब एप्लीकेशन करो। देन 5 मार्क वाले टॉपिक है रिपोर्ट, 5 मार्क्स का टॉपिक है, डेटा एनालिसिस है, 5 मार्क का टॉपिक है, शॉर्ट शॉर्ट टॉपिक है, इनका कोई ऑप्शन ही नहीं है, ईमेल है,
पांच मार्क का टॉपिक है, इनका कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है बोर्ड में बेटा, ये पक्का आएंगे। ये ऐसा समझ लो कि किसी ने तुम्हें आईएमपी दे दी कि भाई ये टॉपिक पक्का आएगा, बस उसी तरह से हम इनकी प्रिपरेशन कर ही नहीं रहे, हम फालतू चीजों पे लगे पड़े। तो सिर्फ बुद्धि काम की नहीं, सॉरी बल काम का नहीं है, आपने ज्यादा वर्क किया, हार्ड वर्क किया, नॉट इनफ। आपने स्मार्ट वर्क किया, दैट आल्सो नॉट इनफ। तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, आइए बताते हैं आपको। कॉम्बिनेशन बनेगा कि जो बच्चे सिर्फ राइटिंग स्किल्स पे जा रहे हैं वो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, वो भी फंसेंगे। जो बच्चे टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वो भी फंसेंगे। जीतेगा कौन, जो सबका कॉम्बिनेशन करना जानता है। देखो बोर्ड एग्जाम्स में इससे जॉब रिपोर्ट इन सब की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत पांच पांच छह छह इससे लिखने पड़ते हैं हमको पहले, ताकि हम टाइम पे इसे खत्म कर सके, हमारे पास मेथोडोलॉजी हो एक इसे का फ्लो क्या होता है। जॉब एप्लीकेशन छह तो मैं आपको करवा चुका हूं, 10-12 आपको खुद करने पड़ेंगे, तब आपकी स्पीड आएगी। ये 7 मार्क का टॉपिक खत्म करने के लिए बोर्ड में सिर्फ 11 मिनट मिलते हैं, और 11 मिनट में जॉब एप्लीकेशन खत्म होना बहुत कठिन है। रिपोर्ट है 5 मार्क का टॉपिक है, वैरायटी ऑफ रिपोर्ट्स होते हैं, डेटा में अलग अलग तरह का डेटा हो सकता है। तो जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं है तुम्हारे पास, कोई फायदा नहीं। वो ज्ञान जो सिर्फ दिमाग में बचा रह जाए वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, वो पेपर में आना चाहिए। तो आपको अगर राइटिंग स्किल के ऊपर जाना है तो उनकी प्रैक्टिस करो। अच्छा, जैसे मैंने बोला नेवर रीड टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक ना पढ़े तो क्या करें, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी काम कर रखा है। तुमको जो पीडीएफ मैंने भेजी है उसमें मैंने हर यूनिट की समरी दी है, टेक्स्ट के हर यूनिट की समरी दी है बेटा मैंने, तो रीड समरीज ऑफ द यूनिट्स, समय बचेगा आपका, कोर कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, आइडिया क्या है वो पता चल जाएगा, पूरा लेसन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझो लॉ स्प्रिंग यूनिट 17 पेजेस का यूनिट है, 17 पेजेस पढ़ने बैठो उसके बाद कुछ और पढ़ने की ताकत ही खत्म हो गई। लॉ स्प्रिंग में से क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन उसकी समरी मैंने 2 पेज में लिख डाली है, कवरिंग ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो आप समरी पढ़िए, आपका समय बचेगा, आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक पढ़ने के पीछे तुम में से कोई भी अपना टाइम अब नहीं लगाएगा, वो टाइम गया। ईयर की बिगिनिंग में टेक्स्ट बुक पढ़ो तो बात समझ में आती है, अभी नहीं, वो टाइम गया। तो पहला स्मार्टनेस और हार्डवर्क का कॉम्बिनेशन, नंबर 2 सबसे ज्यादा मार्क्स वाला टॉपिक चुनो, नंबर 3 गलत टॉपिक के पीछे मत भागो। अब आ रहा हूं मैं नंबर 4 पे, नेवर लीव अ क्वेश्चन। या ऐसा कहूं, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। आप मुझे बता सकते हैं क्या हमारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है? नहीं नहीं है। नो सर। अगर तुमने कुछ गलत लिखा तो वो गलत हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? गलत आंसर लिखने पे मार्क्स तो कटेंगे नहीं, हाँ बेटा। लेकिन सपोज आपने लिखा और वो टीचर को समझ में आया तो यू विल गेट मार्क्स। तो जो क्वेश्चन ना आता हो वो भी अटेम्प्ट करो, पेपर छोड़ के मत निकला करो। कई बार बच्चे बाहर आके फोन करते हैं, सर मैंने 12 मार्क का छोड़ दिया, नहीं आ रहा था। ये एक बहुत ही बकवास एक्सक्यूज है। इंग्लिश में कहावत है, यू विल लूज ऑल द गेम्स दैट यू डोंट प्ले। तुम वो हर खेल हार जाओगे जो तुम खेले ही नहीं।
क्योंकि खेलते हो तो चांस होता है जीतने का, जब खेले ही नहीं तो आ रहे ना। तो पॉइंट नंबर वन क्या था, मंत्रा नंबर वन, मैं सारे के सारे सात आपको लेक्चर के एंड में लिख के दूंगा, लेकिन मंत्रा नंबर वन था हार्डवर्क काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क काफी नहीं है, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन चाहिए। नंबर टू, सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक चुनो। नंबर थ्री, टेक्स्ट बुक पढ़ने के पीछे अपना समय मत गवाओ, समरीज पढ़ो। नंबर फोर, नेवर लीव अ क्वेश्चन और आई शुड से अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। नंबर फाइव, ब्लफ, बट ब्लफ इंटेलिजेंटली, गप्पे मारो लेकिन इंटेलिजेंटली। अब आइए समझाता हूं। आपसे डीप वाटर यूनिट का एक क्वेश्चन पूछा गया है विलियम डगलस के बारे में, आपको आंसर नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने समरी पढ़ रखी है। हाँ पढ़ रखी है सर, उस समरी को लिख डालो, रिलेटेड आंसर लिखो। याद रखो उसी यूनिट के रिलेटेड आंसर लिखने का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या, कहीं ना कहीं वो टॉपिक से लिंक हो जाएगा एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। एग्जाम में हम टीचर्स कभी भी जब हम पेपर करेक्शन के लिए बैठते हैं तो हम बच्चे के स्किल के ऊपर वैल्यू देते हैं, ना कि वर्ड टू वर्ड आंसर मैच करने पे। टेक्स्ट का आंसर कभी भी वर्ड टू वर्ड टीचर मैच नहीं करता बेटा। टेक्स्ट में आपको अपना फ्रीडम है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को प्रेजेंट करने का, तो आप अगर उस आंसर को अच्छे से लिख पाते हैं मैं गारंटी देता हूं तीन में से दो मार्क्स भी मिल जाएंगे, जबकि आंसर आपको पता ही नहीं था बिकॉज आपने रिलेटेबल कॉन्टेंट लिखा। सो देयर इज नो हार्म इन ब्लफिंग बट ब्लफ इंटेलिजेंटली। चलिए पांच मुद्दे आपके साथ में कंप्लीट कर चुका हूं। पॉइंट नंबर सिक्स, लर्न टू प्रिपेयर विद टाइम लिमिटेशंस। अब एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, आप तीन घंटे का पेपर पूरा लिख डालो लेकिन चार घंटे ले लो तो आपका फेलियर है कि सक्सेस है? फेलियर। टाइम लिमिटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और मैं आपको आज बहुत सीरियसली बात बताने जा रहा हूं। बोर्ड एग्जाम्स में बच्चे कंप्लेन करते हैं, सर मेरा पेपर टाइम में खत्म नहीं होता, कैसे होगा? सी, आपको 180 मार्क्स स्कोर करने के लिए, सॉरी 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए 180 मिनट्स मिलते हैं। दैट मींस यू आर गेटिंग 1.8 मिनट्स फॉर वन मार्क। लेकिन ये पूरी इक्वेशन ही गलत है, रीजन बीइंग एक्चुअली आपको मिलता है 1.5 मिनट्स यानी 90 सेकंड्स फॉर स्कोरिंग वन मार्क। आपको 10 मिनट का बफर चाहिए अपने पेपर को इवेल्युएट करने के लिए। पेपर खत्म करने से पहले पेपर को इवेल्युएट करना पड़ता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, इसीलिए आपको 1.8 मिनट नहीं 1.5 मिनट्स मिलते हैं। मतलब 3 मिनट का आंसर मुझे खत्म करना है तो वो 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या होती है, तुम टेक्स्ट का आंसर लिखते हो और एक आंसर लिखने में 10 से 12 मिनट लगाते हो। ये दुर्गति क्यों हो रही है, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं। मुझसे कॉन्स्टेंटली ये सवाल पूछ रहे हैं बच्चे के, सर हम पढ़ बहुत रहे, दिमाग में बहुत बहुत मटीरियल डाल रहे लेकिन याद नहीं रहता। याद कैसे रहेगा, तुम लोग डेटा भर रहे हो स्टोर नहीं कर रहे, खाना खा रहे हो पचा नहीं रहे हो। व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ प्रिपरेशन, अगर आप 3 घंटे की पढ़ाई करते हो तो 2 घंटे पढ़ो और 1 घंटे में उस पढ़ाई का कुछ हिस्सा लिखो। लेट मी गिव एन एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन लर्न कर लिए 2 घंटे में, फिर रुको और उन 3 में से कोई भी एक क्वेश्चन चुनो और उसको अपनी नोटबुक में लिखो, तो तुम्हें पता तो चले कि तुम कहां हो, तुम्हारा लेवल क्या है, हो क्या रहा है, तुम डेटा अंदर भर रहे हो लेकिन उसका यूजेज क्या है पता ही नहीं।
अपने दिमाग को बेटा एक चीज याद रखो, अंदर जो भी चीजें मटेरियल आ रहा है वो पेपर पे उतरना चाहिए. एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे दिमाग में कितने आंसर है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. तुम बोर्ड एग्जाम में आंसर शीट में कितने आंसर लिखोगे वो इंपॉर्टेंट है. इसलिए टाइम लिमिटेशन में काम करना सीखो. लर्न टू प्रिपेयर विद टाइम लिमिटेशन. अपना टाइमर सेट करो कि 5 मिनट में आंसर खत्म होना चाहिए. जॉब एप्लीकेशन 11 मिनट में खत्म होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा तो उसके ऊपर वर्कआउट करो, प्रैक्टिस बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ. आखिरी और इंपॉर्टेंट सजेशन मेरा, मंत्रा मेरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. गेट इन टू द एग्जामिनेशन जोन. अभी से माइंड को ट्रेन करना सिखाओ कि भाई मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और मुझे प्रिपरेशन करनी है. नेवर पोस्टपोन. मैं कल से शुरू करूंगा, कल कभी आएगा ही नहीं. अब उतर जाओ एग्जाम जोन में बेटा. आप में से जो बच्चे अभी भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया, वो बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं पीछे. ये ट्रेन स्टेशन से छूट रही है और आखिरी बार आपको बुलावा मिल रहा है कि बोर्ड कर लो ट्रेन बेटा, वरना छूट जाएगी. गेट इन टू द एग्जामिनेशन जोन का मतलब क्या? पहला, हेल्थ कॉन्शियस हो जाओ. बाहर का खाना पीना बंद कर दो, घर का ही खाना खाना. अवॉइड दीज पिज्जा पास्ता एंड ऑल, अवॉइड कर. नंबर टू, बुरा लग सकता है लेकिन दोस्तों के साथ घूमने और भटकने मत जाओ, क्योंकि तुम लोग जब मिलते हो तो उस टाइम पे पढ़ाई की बातें नहीं, गॉसिप बहुत होती है. ये ऐसा वो ऐसा, एक्टर क्रिकेटर पॉलिटिशियन, हम जिंदगी भर की जो मुसीबतें हैं डिस्कस करने बैठ जाते हैं, अपनी फैमिली की मुसीबतें, ये सब जिस वक्त आप डिस्कस कर रहे हो ना, उस वक्त आप एक जगह एक टॉपिक को अपने ब्रेन में स्पेस दे रहे हो, और वो टॉपिक आपके ब्रेन में स्पेस लेने के लिए आपसे स्टडीज को डिलीट करवाए. आपका मोबाइल जो होता है जब उसको वो फुल होती है मेमोरी उसकी, तो आपको बोलता है ना नया ऐप इंस्टॉल करने से पहले कुछ डेटा डिलीट करो. तो तुम्हारे ब्रेन की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी लिमिटेड है और तुम उसमें अगर एजुकेशन को भर के बैठे हो तो कुछ और अगर रखना है तो एजुकेशन को निकलना पड़ेगा. इसलिए मेरी सलाह मानो, दोस्तों से अगर मिलते भी हो तो पढ़ाई की बात करो. पढ़ाई के अलावा अगर बात करने के लिए कोई तैयार हो तो हाथ जोड़ के अलग हो जाने. मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, जो तुमको पढ़ाई करने से डिस्टर्ब करता है वो तुम्हारा दोस्त बिल्कुल भी नहीं. वो दुश्मन हो सकता है या नहीं हो सकता है, वो आप फैसला कर लो, लेकिन वो आपका दोस्त नहीं. उस फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाओ कि तुमको पढ़ना है बेटा. अब जो मैं पॉइंट पूछने जा रहा हूं ना, वो बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है. आप सब लोगों में से कौन है जो आज से 15 साल बाद खुद को मिलियनर देखना चाहता है? Who wants to see himself or herself to be a very rich person, a millionaire in the next 10, 12, 15 years? शर्म मत करिए, ये सच्चाई है, हम सबका सपना है. हम सब चाहते हैं माल ही माल होना चाहिए, पैसा ही पैसा होना चाहिए. तो इन अमीर लोगों की एक बहुत गजब की आदत है. आपको पता है क्या है आदत? वो रोज सुबह उनका सेक्रेटरी उनके पास पहुंचता है. जिन्होंने हाथ ऊंचा किया वो तो बन ही जाएंगे, जिन्होंने नहीं किया वो भी अगर इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो बन ही जाएंगे. रोज सुबह जब वो अपने रूटीन खत्म करके, यानी नहाना धोना नाश्ता खत्म कर लेते हैं, तो उनका सेक्रेटरी उनके पास पहुंचता है. वो बोलता है मेरे आज के अपॉइंटमेंट्स बताओ. वो बताता है सर 11 बजे आपकी इस पर्टिकुलर पार्टी के साथ मीटिंग है, 12 बजे हमको यहाँ चलना है, 2 बजे इस पार्टी से मिलना है, 5 बजे आपकी ये मीटिंग है, 6 बजे आपका ये शेड्यूल है. फिल्मों में तो कई बार देखा होगा आप लोगों ने. एक सक्सेसफुल आदमी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? कि वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसके दिन के टारगेट सेट है और वो एक दिन पहले से सेट है. उसको सुबह पता होता है कि आज मुझे पूरा दिन क्या करना है. फर्क सिर्फ इतना है, जब तक तुम उस कैपेसिटी में आ जाओ कि तुम किसी को हायर करो, तब तक अपने सेक्रेटरी खुद बनो.
मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक तुम उस कैपेसिटी में आ जाओ कि तुम किसी को हायर करो, अपने सेक्रेटरी खुद बनो। मैं आपको एक बहुत गजब की चीज दिखाने जा रहा हूं। सी दिस इज माय पर्सनल डायरी, मैं इसमें डेली मेरे नोटिंग्स लिखता हूं। आप देखेंगे यहां पे, ध्यान से देखिए, मेरी डेली नोटिंग्स होती है, मेरे को किस दिन क्या करना है। ये देखो 30-12 की नोटिंग्स, जिस दिन जो काम करना होता है उसकी अपडेट होती है कि मुझे किस दिन क्या करना है, मुझे पता होता है। आपको भी एक दिन पहले पता होना चाहिए कि आपको कल क्या करना है। एटलीस्ट वन डे प्रायर यू शुड हैव द नॉलेज व्हाट यू आर सपोज टू डू टुमारो। नेवर मेक प्लान्स इन द मॉर्निंग, प्लान शुड ऑलवेज बी मेड इन द इवनिंग बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले। चलिए अब आपको बता देते हैं टोटल आपके 7 मंत्र क्या थे। नंबर 1, बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। नंबर 2, pick the most valuable topic. Number 3, pehla kya tha? Be a combination of hard work and smart work. Second, pick the most valuable topic. Third, read summaries of text, not the text. Ab text nahi padhna hai, summary padhni hai. Number 4, kya tha point 4, yaad hai? Chaliye wapas de dete hain aapko. Yes sir. Never leave question, attempt all questions. Attempt all the questions. Number 5, कौन बताएगा? Sir, buff पर intelligent buff. हाँ? गप्पे मारो पर. Yes. गप्पे मारो पर intelligent मारो. Bluff. But bluff intelligently. Number 6 क्या था? Learn to prepare time limitation. Learn to prepare with time limitations. And number 7. Enter into examination zone. Get into the examination zone. तुम्हारे दिमाग को ट्रेन करो कि भाई एग्जाम आ गई है। ये 7 चीजें अगर तुम लोग फॉलो कर गए ना बेटा, बोर्ड एग्जाम में तुम आराम से 80-85 स्कोर करो, कोई नहीं हरा सकता। 90 आ जाए तो बहुत छोटी चीज होगी। इन पॉइंट्स को अपने पास संभाल के रखना, तुम्हारा पूरा साल सक्सेसफुल हो जाएगा। ये 3 महीने में पूरे साल की प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज आपको मजा आया होगा, समझ में भी आया होगा। इन्हीं चीज को फॉलो करें, आप डेफिनेटली बोर्ड में अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ईश्वर आप पे दयालु बना रहे। गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू। बाय फॉर नाउ।